नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भारत में पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी फिल्मों का चलन काफी बढ़ गया है। हिंदी फिल्मों की तरह लोग भोजपुरी फिल्मों को भी देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। दर्शकों में भोजपुरी फिल्मों के प्रति लगाव भी बढ़ गया है, लेकिन कई बार इन भोजपुरी फिल्मों के नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हंसे बिना लोगों से रहा ही नहीं जाता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ भोजपुरी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनका नाम जानकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। पहले आप इस भोजपुरी फिल्म के नाम को पढ़ें। इस फिल्म का नाम है मियां अनारी बा बीवी खिलाड़ी बा। गजब का टाइटल है। 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म में बीरबल, योगिनी और यूनुस परवेज जैसे कलाकारों ने काम किया था। अब आप इस फिल्म के टाइटल पर गौर कीजिए। इस फिल्म का नाम है तोहरे कारण गईल भैंसिया पानी में। है ना कमाल का टाइटल। इस फिल्म में पवन सिंह, सपना थापा, के गोस्वामी जैसे कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म के नाम को पढ़कर कई लोग की हंसी नहीं रुक पाएगी। अगली फिल्म है दम होई जिकरा में उहे गाड़ी खूंटा। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रानी चटर्जी ने मुख्य किरदार निभाया था। अब हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, उस फिल्म में वर्तमान में भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने अभिनय किया था। इस फिल्म का नाम भी मजेदार है। यह फिल्म तब रिलीज हुई थी जब भाजपा नेता मनोज तिवारी अभिनय किया करते थे। इस फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला। यह फिल्म काफी हिट हुई थी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक फिल्म का नाम भी कम मजेदार नहीं है। इस फिल्म का नाम है पटना से पाकिस्तान। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन की फिल्म पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई काफी हिट रही थी। इस फिल्म का टाइटल भी मजेदार है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस टाइटल को पढ़कर अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। हालांकि यह फिल्म इस कदर हिट हुई थी कि इसके कई भाग भी बन गए। भोजपुरी की एक फिल्म गोबर सिंह नाम से भी रिलीज हुई थी। डायरेक्टर ने क्या सोचकर इस फिल्म का नाम गोबर सिंह रखा था, इस सवाल का जवाब तो उन्हीं के पास होगा, लेकिन फिल्म के टाइटल को पढ़कर लोग जरूर मजे लेते होंगे। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह और रवि किशन की एक फिल्म है कट्टा तनल दुपट्टा पर। इस फिल्म का टाइटल भी मजेदार है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस फिल्म में अभिनेत्री राखी सावंत भी नजर आई थी। मेहरारू चाही मिल्की वाइट, कमाल का टाइटल है। पत्नी को भोजपुरी में मेहरारू कहा जाता है। इस फिल्म के टाइटल को पढ़कर बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे और हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। तीन बुर्बक नाम की भोजपुरी फिल्म वास्तव में आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स फिल्म की भोजपुरी वर्जन है। इस फिल्म का टाइटल भी लोगों को हंसाने के लिए काफी है। मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी अब नेता बन चुके हैं, लेकिन उनकी फिल्म दारोगा बाबू आई लव यू काफी हिट रही थी। यह टाइटल भी मजेदार है और लोग इस टाइटल को पढ़कर जरूर मजे लेते होंगे। तो ये कुछ भोजपुरी फिल्मों के मजेदार नाम हैं। अगर आपको भी किसी भोजपुरी फिल्म का मजेदार नाम पता है जो इस लिस्ट में नहीं है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।